दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग चलते हैं लखनऊ के कुकरैल पिकनिक स्पॉट को घूमने। लखनऊ में वैसे तो बहुत सारी जगह घूमने के लिए है। ये शहर से यानी चारबाग से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। ये बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं, जिसमें कुकरैल वन में आपका हार्दिक स्वागत है। बाहर जाने पर ये सारे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं। साथ ही साथ ये पार्क में खुलने का समय किस समय में, समय देख के ही जाएँ। जैसे ही गेट से एंट्री लेते हैं, पूरा हरा भरा माहौल है, बिल्कुल वन के जैसा। ये बैठने के लिए तमाम चेयर वगैरह लगी हुई है। ये बड़ी अच्छी कलाकृति बनी है, तीन मटकों को जोड़ के पीने के पानी की व्यवस्था। ऐसे आर्टिफिशियल जानवर भी बनाए गए हैं ताकि जंगल का लुक आए। और जैसे ही हम अंदर जाते हैं तो ये हरा भरा पूरा लॉन गलियारा, ऐसे स्लोगन लिखे हुए हैं। विश्राम गृह बना हुआ है बड़ा सुंदर सा। किन के रुकने के लिए है ये तो हमने नहीं पूछा कि यहाँ कौन लोग रुक सकते हैं, लेकिन रेस्ट हाउस बना हुआ है, शायद वन विभाग के अधिकारियों के लिए रुकने के लिए बना होगा। ये बड़ा सुंदर चारों तरफ से, ये इन्होंने हर्बल गार्डन बना रखा है। यहाँ पे तरह तरह के ऐसे पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिनका औषधीय महत्व है, यानी जिनसे दवाएं बनाई जा सकती हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये वो जगह है जहाँ पे तमाम बड़े बड़े लोगों ने, अखिलेश यादव ने वृक्ष लगाया और बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे। फिर हम लोग पहुँचते हैं, ये उस जगह जहाँ पे घड़ियाल पुनर्वास केंद्र बना हुआ है, यानी कैसे ग्लैडिएटर्स के रिहैबिलिटेशनल सेंटर को बनाया गया है। ये सप्ताह चल रहा था, अंदर घुसने से पहले ये सूचना है कि अंदर तंबाकू पॉलीथीन वगैरह लेके ना जाएं। जैसे गेट से अंदर घुसते हैं, सामने ये बड़ा अच्छा कलाकृति बनी हुई है जिसमें सामने हमको घड़ियाल दिख रहा है, घड़ियाल के बड़े बड़े दांत, घड़ियाल ने मछली को अपने मुँह में दबा रखा है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पर बहुत लोग फ़ोटो खिंचाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। जैसे ही आप कुकरैल में अंदर ये जाएंगे घड़ियालों की सेंचुरी को देखने के लिए, तो ये नज़ारा दिखता है, बड़े बड़े दांत, उसका मुंह, और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, दांतों को पकड़ पकड़ झूलते रहते हैं। तो ये सबसे पहले यहाँ इस घड़ियाल से मुलाकात होती है, इसको देखते हैं। इसी के चारों तरफ घड़ियालों का वो सारा सेंचुरी बना रखा है उन्होंने कि कैसे घड़ियालों का जीवन चलेगा, डिस्प्ले बोर्ड लगा रखे हैं। ये देखिए घड़ियालों का झुंड, ये छोटे बच्चे हैं, फ़ोटो में हो सकता है बड़े दिख रहे हों, लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे हैं घड़ियालों के। ये पूरा सेक्शन बना रखा है यहाँ पे, इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, पानी है, बालू पड़ी हुई है, और ये घड़ियाल के बच्चे यहीं ऐसे ही मौज मस्ती करते रहते हैं। पूरे घड़ियालों को जाली से अंदर बंद कर रखा है, थोड़ा सा दूरी है, इसीलिए हम कैमरे से इसको इस तरह से शूट कर पा रहे हैं कि ये घड़ियाल दिखाई दे रहे हैं लेटे हुए, बढ़िया धूप सेंकते हुए घड़ियाल। ये देखिए घड़ियाल ने मुँह खोल रखा है, पता नहीं किसके इंतज़ार में। और ये छोटे छोटे बच्चे जालियों चढ़ते रखते हैं, तो हेलो बोलो तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारी बात सुनो और समझ रहे हों, लेकिन ये क्या समझेंगे हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन इशारे समझते हैं। वहाँ के कर्मचारी ने बताया कि जब जाते हैं अंदर मछलियाँ खाने को देने के लिए, तो सब बड़े भागते हैं यानी पहचानते हैं। और ये भाई साहब पानी से निकलते हुए बड़ी मस्ती से धूप का आनंद लेंगे। जगह जगह ऐसे डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं जो आपको पूरी सूचनाएँ देंगे कि मगरमच्छ में और घड़ियाल में क्या अंतर है, कैसे इनका जीवन चलता है, कैसे इनके अंडे देते हैं, कैसे ये बड़े होते हैं। कछुए के भी है यहाँ पे, एक सेक्शन बना रखा है उन्होंने कछुए का भी। तो ये सारे डिस्प्ले बोर्ड पे पूरी जानकारी है, बच्चे जाएं यदि इसको घूमने। देखिए उत्तर भारत के कछुए कितने तरह के कछुए होते हैं, उनके नाम क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, ये सब कुछ इस डिस्प्ले बोर्ड में लिखा हुआ है। यदि बच्चे जाते हैं तो बच्चों के लिए बड़ी अच्छी सूचना वाली जगह है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं बच्चे। और ये जैसे ही हम लोग निकले तो ये एक मगरमच्छ साहब जो है अभी नहा वहा के निकले हैं। देखिए पूरे शरीर पे इनके हरी हरी पत्तियाँ लगी हुई हैं। ये पास से शूट किया है इसलिए इसमें जाली नहीं दिख रही। ये आराम से धूप सेंक रहे हैं भाई साहब, पार्क में फ़ोटो का मज़ा लेते हुए लोग बाग। पार्क बड़ा है, काफ़ी लोग घूमने आते हैं लखनऊ से, छुट्टी के दिनों में काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पे। महोदय अभी धूप सेंक रहे हैं, अभी भी ये भी नहा वहाँ के आए हैं, और कितने आराम से इनको बुलाइए तो कोई कुछ सुनने वाला नहीं है, सुनते नहीं है। ये डिस्प्ले बोर्ड पे बहुत सारी सूचनाएं हैं। बड़ी अच्छी बात यह है कि इस पार्क के अंदर हर चीज़ को बहुत डिटेल के साथ बताया गया है। देखिए ये मगर पॉन्ड है, कैसे मगर पॉन्ड में इनको मगरों को सेव किया गया है। हम लोग बढ़ रहे थे संग्रहालय की तरफ, तो ये मगर पॉन्ड में ये बड़े से मगरमच्छ भाई साहब बैठे हैं, अभी ये भी धूप सेकने निकले हुए हैं। ये देखिए ये बैठे हुए हैं अकेले। जब संग्रहालय की तरफ जाते हैं तो फिर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा रखा है जिसमें हमारे प्रतीक चिन्हों में किन किन जानवरों को स्थान दिया गया है उसकी पूरी सूचना है, बच्चे इसको नोट कर सकते हैं। काफ़ी कोशिश यही की गई है इसको बनाने में कि जो भी पर्यटक यहाँ आए उनको जानकारी अच्छी मिले, जीवों को देखें। इसीलिए देखिए जीव संग्रहालय भी बनाया गया जिसका दारा सिंह जी ने किया था, बहुत ही सुंदर संग्रहालय है।
इसके अंदर जब जाते हैं तो पूरा कांच के फ्रेम में ये सारे वन्य जीव जंतु जितने भी हैं उन सब की कृतियां लगा रखी हैं, कुछ पत्थर की बनी हुई, कुछ सिरेमिक की बनी हुई, कुछ अन्य कपड़ों की बनी हुई। ये बहुत सुंदर जगह है और इसके अंदर जाके एक एक जीव जंतु को करीब से देख सकते हैं, उनके डिस्क्रिप्शन को पढ़ सकते हैं। बाघ है, हाथी है, जितने भी हैं इनके सबके डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, इनका नाम क्या है और कहाँ पाए जाते हैं। ये सारे वन्य जीव जंतु हैं, उनके बारे में बड़ा अच्छा संग्रहालय बनाया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये संग्रहालय देख घूम के, क्योंकि छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन को यहाँ रखा गया है, बच्चों के लिए बहुत काम की चीज़ है। ये घड़ियालों का प्रजनन केंद्र है, पुनर्वास केंद्र है। तो इस बोर्ड में दिखाया उन्होंने कि घड़ियाल के बच्चे किस तरीके से बड़े होते हैं, कौन कौन से वन्य जीव हैं जो आज लुप्त होते जा रहे हैं, उनको कैसे हम बचा सकते हैं, उनको बचाने के लिए क्या क्या योजनाएं हो सकती हैं, कैसे बच्चे उनको पहचाने करीब से, क्योंकि अब तो ना जंगल बचे हैं ना इतने जीव जंतु। देखिए 100 अंडों में से कोई एक घड़ियाल बचता है, क्योंकि बाकी अंडे उनके खा जाते हैं। इस संग्रहालय में, अरे ये तो मैं ही दिखाई दे रहा हूँ भाई, मुझे लगा ये कौन सा वन्य जीव जंतु, लुप्त प्राय तो है नहीं, ये तो हिलता डुलता। तो चलिए ये मैं रहा और बहुत अच्छा संग्रहालय है। जैसे इसके बाहर निकलते हैं तो पीछे की साइड में बड़े मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुए के ये ब्रीडिंग पॉइंट्स बना रखे हैं बड़े बड़े। ये संग्रहालय के पीछे की साइड में है, जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इन कछुओं से भेंट होती है। बड़ा सा पॉन्ड है, इस बड़े से तालाब में ये कछुए सब यहाँ घूमते रहते हैं। और अगर ऐसे मौसम में आप जाते हैं जब धूप है तो ये बड़े आराम से बाहर लेटे हुए मस्ती करते हुए आपको दिखाई देंगे। ये घड़ियाल वाला पॉन्ड है, इसमें घड़ियाल लोग नहा वहा के अपना धूप सेंक रहे हैं, मस्ती से देखिए। और ये धक्का मुक्की करते हुए पानी के बीच में है भाई, मैं तो ये चला छपाक, ये देखिए एक जंप लगाई और पीछे वाले कह रहे मैं भी आ रहा हूँ, वो कह रहा तू आया ना, मेरा एक दोस्त है अंदर। अरे एक नहीं तीन है भाई, ये तो वाह वाह वाह, ये तो सब दोस्ती निभा रहे हैं। तो आराम से ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिल सकते हैं। ये मगरमच्छ महोदय बढ़िया फ़ोटो खिंचाते हुए हमारे साथ में, ये अभी नहा वहाँ के निकले हैं। अब ये कह रहे हैं भाई अब तो मैं धूप सेकूँगा, बहुत देर मैंने नहा लिया है। तो ये घड़ियाल महोदय शायद बाहर आने के मूड में हैं, ये बाहर आ चुके हैं पहले। तो इस तरह से बड़ा प्राकृतिक नज़ारा है, आप उनको आवाज़ करिए तो कभी कभी ये मैं ऊपर आके मार दूँगा भाई, आ गए, आइए आइए आइए, ये देखिए ये आ गए श्रीमान जी ऊपर, बहुत देर मैंने नहा लिया भाई अब तो मैं धूप सेकूँगा, ये देखिए ये भी आ गए, मैं अपनी जगह देख लूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। तो इस तरीके के बड़े प्यारे प्यारे सुंदर नज़ारे हैं, बच्चे बड़ा इन्जॉय कर सकते हैं। ये देखिए ये मगरमच्छ खेल कूद करते हुए, आप चल भाई दौड़ लगाते, अरे ये तो मैं तो सरक रहा हूँ यार, लेकिन कोई बात नहीं मैं ऊपर आके ही मानूंगा। ये देखिए सब लगे हुए हैं बड़े कोशिश से, शायद ये पानी की वजह से चिकनाई हो गई है और चढ़ने में इनको दिक्कत हो रही है। तो बड़ा सुंदर नज़ारा है, आप देख सकते हैं इसको। जब हम वहाँ से लौटते हैं वापस तो इस पूरे संग्रहालय को घूमते हुए मैंने भी इन दांतों के साथ खेला,